हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ हम बनाने जा रहे हैं एक वार्ली आर्ट क्यूट मिनी फ्लावर पॉट। तो मैंने यहाँ पे एक एम्प्टी मेडिसिन बॉटल ली है, इसको मैं अब पेपर के हेल्प से रैप कर लूँगी और एक प्रॉपर सा शेप दे दूँगी। तो यहाँ हमें न्यूज़पेपर को अच्छी तरह से प्रेस करते हुए इसे रैप करना है। मैंने यहाँ नीचे का जो शेप है उसे थोड़ा सा ब्रॉड रखा है और ऊपर का थोड़ा सा थिन। तो इस तरह मैं उसे राउंड राउंड करते हुए उसे एक प्रॉपर शेप देने की कोशिश कर रही हूँ। अभी मैंने यहाँ एक थ्रेड लिया है और थ्रेड की हेल्प से मैं इसको टाई कर लूंगी ताकि पेपर यहाँ वहाँ मुंह ना हो और एक प्रॉपर शेप में आ जाए। इस तरह से मैंने टाई किया और यहाँ हमारा एक मिनी पॉट लुक तैयार हो गया है। अब मैंने ये पीयूपी और वाटर का एक पेस्ट तैयार कर लिया है। ध्यान रहे कि ज़्यादा पतला ना हो। अब इस तरह स्पून की हेल्प से इसे प्रॉपरली इस पर अप्लाई करना है। तो इस तरह मैंने इस पर अप्लाई कर लिया है। तो इस तरह से पेस्ट लगाना है। ये थोड़ा जब ड्राई हो जाए तो आप फिंगर्स के हेल्प से इसे स्मूथ करें। मैंने ये पूरा एक ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया था। अब मैं ये पील ऑफ का यूज़ करूँगी और इसे प्रॉपर सा शेप देने की कोशिश करूँगी। इसे जो एक्स्ट्रा मटेरियल इस पे लगा है वो हमें निकाल देना है। तो एक एक करके मैंने यहाँ तीनों को अच्छा सा एक लुक दे दिया है ताकि इसकी जो सरफेस है वो स्मूथ हो जाए। मैंने पील ऑफ का यूज़ किया है बिकॉज ये यूज़ करने में बहुत आसान होता है और इजीली एक्स्ट्रा मटेरियल वो निकल जाता है। इस तरह मैंने ब्रेस को भी एक अच्छा सा लुक दे दिया है। अब हम कलर यूज़ करेंगे। यहाँ मैंने ब्लैक एक्रेलिक कलर का यूज़ किया है। ऑलमोस्ट 2 इंच अपर पोर्शन में ब्लैक कलर यूज़ करूँगी। तो इस तरह से मैं अप्लाई किया है। ऐसे ही मैं दूसरी और तीसरी बॉटल को भी रेडी कर दूंगी। अब नीचे का जो पोर्शन है वहां पे मैं व्हाइट कलर यूज करूंगी। आप यहाँ 1 कोट का भी यूज कर सकते हैं और 2 का भी। बेटर होगा कि आप 2 कोट का यूज करें। तो इस तरह हमें व्हाइट कलर अच्छे से इसे लगाना है। इस तरह मैं इस पे कुछ आर्ट रेडी कर रही हूँ। इस तरह मैंने यहाँ डिजाइन इस तरह मैं इसे बनाते जा रही हूँ। वार्ली आर्ट में बहुत सारे डिजाइन्स होती है, आप किसी भी तरह की डिजाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ मुझे जो प्रिंटर लगे मैंने वो यूज किए हैं। इस तरह हमें ड्रॉ करते हुए जाना है। पहला आर्ट मैंने बनाया है जिसमें कि वो ढोलक बजाते हुए दिखाया गया है। वार्ली आर्ट बहुत ही इजी होती है बनाना और दिखने में बहुत ही सुंदर लगती है।
ट्राई जरूर करिए। इस तरह से बनाना है। ऐसे ही एक एक करके मैं इसको पूरी तरह से फिल कर दूंगी। वार्ली आर्ट महाराष्ट्र का जाना माना आर्ट है। पुराने जमाने में वार्ली जनजाति के लोग इस आर्ट का यूज करके अपने घरों को सजाया करते थे। वार्ली आर्ट वार्ली जनजाति के जीवन शैली के बारे में हमें नॉलेज देता है। उनकी दिनचर्या किस तरह की होती थी और वो किन कामों में व्यस्त रहते थे। देखिए हमारी तीनों पॉट्स रेडी हो गए हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। तीनों पे मैंने थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन बनाने की कोशिश की है। ब्लैक एंड व्हाइट कलर होने के कारण ये बहुत ही अच्छा लुक देता है। जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए तो इस पर एक वार्निश का कोट जरूर कीजिए। वार्निश का यूज करने से ये बहुत ही ड्यूरेबल हो जाते हैं और इसकी शाइनिंग भी बनी रहती है। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। आई होप गाइस आपको ये पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं नए DIY के साथ। तब तक के लिए बाय।